नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है। महोबा कलेक्टर परिसर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत डीएम ने कार्यक्रम में शिरकत कर बड़ा ऐलान किया है। कलेक्टर परिसर में प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जहां पर बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को तत्काल प्रभाव से चालान करने के निर्देश दिए। यही नहीं, एसडीएम और सीओ को 2 से 3 दिनों के अंदर इस अभियान को बड़े स्तर पर चलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। महोबा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम के दौरान जिला अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ आए दिन दोपहिया वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर बेहद चिंतित है। इन सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक बार फिर बड़े स्तर पर सुरक्षा अभियान की शुरुआत की जा रही है। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के परिप्रेक्ष्य में आज ये जागरूकता के लिए अभियान शुरू किया गया है, और इसी में हम लोगों का अब ये नया प्लानिंग है कि जितने भी व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाते हैं उन सबको जो है वहाँ पर जहाँ हमारा चेकिंग होगा वहीं पर बैठाया जाएगा, उन्हीं से हेलमेट की सुरक्षा के बारे में बातें आगे बढ़ाई जाएंगी। और जब तक हेलमेट नहीं आ जाएगा तब तक वो बैठ के या तो जागरूक करेंगे या जागरूक होंगे। तो एक नया इस बार एक मिशन शुरू करने वाले हैं, अब हम इसको अगले 2 से 3 दिन में स्टार्ट कर देंगे, जिसमें सभी एसडीएम और सभी तहसीलदार और पुलिस के सीओ और हम लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे कि सभी हेलमेट लगा कर चले। जो बेल्ट है उसमें बेल्ट की जागरूकता की बात है, लेकिन हेलमेट इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन हैं इनका म्यूटेशन नहीं होता है, तो जब भी इनको चोट लगती है तो ये आदमी के रिवाइवल में उसके सही होने में बहुत दिक्कत होती है।